हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर को। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रेशर का कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रेशर डेफिनेशन, उसकी उसका फार्मूला, उसका यूनिट, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक से। बच्चों, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एक पेंसिल है, लेड पेंसिल, जिसका एक एंड जो है वो शार्प है। आप दोनों हाथों के दरमियान इसको प्रेस करें इस तरह से, ऐसे कुछ फील करेंगे आप कि जिस तरफ इसका शार्प एज है वो हाथ आपका ज्यादा पेन फील करेगा इसके मुकाबले में। एक और एग्जांपल जरा सुने। एक थंब पिन है, उसको आप वुडन ब्लॉक पे लगाते हैं, ठीक है। आप यहां से थंब से इसको प्रेस करते हैं और बड़ी आसानी से इसको इस वुडन ब्लॉक में आप इंटर कर देते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है, इतनी आसानी से आपने फोर्स लगा दी। अगर आपको दो ऐसी पिन दी जाएं जिसमें एक का एज शार्प हो और दूसरी का एज शार्प ना हो और उसको वुडन ब्लॉक में आपने इंसर्ट करना हो, तो आप दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं। जिसका एज शार्प है वो तो आसानी से इंटर हो जाएगा वुडन ब्लॉक में, लेकिन जिसका एज शार्प नहीं है वो आसानी से इसमें इंटर नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या है इसमें, आपने जरा नोट करना है। देखिए, ये जो है इसका एज शार्प होने की वजह से ये इस सरफेस एरिया जो है, सरफेस के ऊपर बहुत स्मॉलर एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब बहुत छोटे एरिया के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये क्योंकि इसका एज शार्प नहीं है, ये एक बड़े एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अक्सर आपने देखा भी होगा, अगर कील सामने से ऐसे टूटा हुआ हो तो आप उसको दीवार में लगा नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें आप, वो दीवार में नहीं जाएगा। ऐसे नोकीला कील होगा तो आसानी से दीवार में चला जाएगा। आखिर उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि ये जो है ये बहुत कम एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप फोर्स तो वही लगा रहे हैं जो आप इस पे लगा रहे थे, वही आप इससे लगा रहे हैं, मगर इधर आपकी फोर्स जो है वो काम कर रही है और ये वुडन ब्लॉक में इंसर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर ये इंसर्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? ये ज्यादा एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये कम एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मतलब ये कि जब आपकी फोर्स एक स्मॉलर एरिया पे अप्लाई हो रही है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जब बड़े एरिया पर फोर्स लग रही है तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। यहां से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि एक फोर्स चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसका असर बढ़ जाता है अगर वो स्मॉलर एरिया पर अप्लाई हो तो। ठीक है, ये बात गौर से सुने। एक फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है अगर वो स्मॉलर एरिया पर अप्लाई हो, ठीक है। यही बात हमने यहां लिखनी है, इफेक्टिवनेस ऑफ अ फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द सरफेस इज रिड्यूस्ड। अगर एरिया को, इफेक्टिव एरिया को जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, कम कर दिया जाए तो एक फोर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। अच्छे तरीके से इसको याद रख लें, ठीक है। अब ये देखा गया फिर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो फोर्स पे डिपेंड करती है और इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस करने से वो इंक्रीज हो जाती है, उस क्वांटिटी को फिर नाम दिया गया प्रेशर का, ठीक है। तो यूं हम इसको कह सकते हैं, द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन एरिया, ठीक है, जो कि एरिया डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, उसको नाम दिया गया प्रेशर का, ओके। अब प्रेशर को जो प्रॉपरली हम डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं, पहले आपको सिंपली बताता हूं। किसी एरिया पे जो आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं ना परपेंडिकुलरली, तो वो क्या है, प्रेशर है। लाइक ये मेरे सामने वॉल है, मैं वॉल पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं सामने की तरफ, ठीक है, तो मैं प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, बेसिकली फोर्स एग्जर्ट करना, किसी एरिया पर परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट करना, ये सिंपली प्रेशर है। हम फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन यूं लिखते हैं, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करना 90 डिग्री पर किसी एरिया पर जो कि यूनिट एरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। यूनिट एरिया आप 1 मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, कोई भी आप यूनिट एरिया ले सकते हैं, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका प्रेशर कहलाएगा, ओके। प्रेशर को जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसी रिस्पेक्ट से फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, तो पी प्रेशर होता है, पी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। अब हम बात करेंगे इसके यूनिट की, ठीक है। तो देखो बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर,
तो जब मीटर स्केयर नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो पावर माइनस हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्केयर, जिसको हम एक पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इसका यूनिट। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। यहां मैंने आपको डिटेल से ये बात समझाई भी है, ठीक है, आपको फौरन से समझ आ जानी चाहिए, आप ये क्लियर हो जाना चाहिए। प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर वन, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। आप अगर थोड़ी फोर्स लगाते हैं थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, अब ज्यादा फोर्स लगाएं ज्यादा प्रेशर होगा। इसी तरह से अगर आप फोर्स स्मॉलर एरिया पर लगा रहे हैं तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, और अगर फोर्स एक लार्जर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो कम प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये समझ लें कि फोर्स का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करेगी प्रेशर इंक्रीज करेगा, और एरिया का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।